नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल अपना ब्यूटी चार्म। हेयर टोनर कैसे बनाना है हमें सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर के लिए जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक छोटी कटोरी और उसमें ले लिया है 2 चम्मच चावल यानी राइस। ये वाइट राइस है, ये आपके घर में यूज़ होने वाली रेगुलर चावल है। इस टोनर के लिए आपको कोई स्पेशल चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चावल को मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से। करीब 3 से 4 बार आपको पानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है ताकि जितने भी इम्प्योरिटी जितने भी गंदगी है चावल में वो सारी निकल जाए और हेयर टोनर के लिए हमें साफ और स्वच्छ चावल मिल जाए। चावल से बनने वाला ये हेयर टोनर बहुत ही कमाल का होने वाला है। चावलों को धोने के बाद मैंने उसके अंदर आधा कटोरी पानी भर लिया था, वो नॉर्मल पीने का पानी होना चाहिए, और रात भर सोख करने के लिए उसे रख दिया था। नेक्स्ट डे कुछ इस तरीके से चावल लग रहे थे और पानी बहुत ज़्यादा क्लाउडी मिल्की टाइप का लग रहा था। जो चावल बच गए हैं इसे आप फेस पैक या हेयर मास्क भी बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। चावल को पानी में मिक्स करने के बाद हमें एक छन्नी से इसे छान लेना है ताकि चावल और पानी सेपरेट हो जाएं। क्योंकि हमें सिर्फ पानी से मतलब है, सिर्फ इसी पानी का इस्तेमाल करना है हमें हेयर टोनर के लिए। इसको छानने के बाद आप पाएंगे कि एक पानी आपको मिल गया है जो कि मिल्की कलर का लग रहा होगा, थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा होगा, यही चावल का पानी है। इसके अंदर सारी वो गुडनेस है जो हमें अपने हेयर टोनर के लिए चाहिए, अपने बालों को सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी और लंबे काले घने बनाने के लिए चाहिए। चाइनीज़ जापनीज़ कोरियन ट्रेडिशंस में इसी चावल के पानी से बालों को धोने की कस्टम चली आ रही है और हम देख पाते हैं कि कैसे उनके बाल शाइनी हैं, कितनी क्वालिटी है गज़ब की उनके बालों की। कितने सारे शैम्पू एंड मास्क इसी से इंस्पायर होकर आजकल बनने लगे हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है रोज़ वाटर। लगभग 1 चम्मच गुलाब जल मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना है इस रोज़ वाटर को बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर को ऐड कर लिया है। विटामिन सी से भरपूर रोज़ वाटर बालों में शाइन लाती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। लास्ट स्टेप में मैंने इंक्लूड किया है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लैवेंडर एसेंशियल ऑयल नहीं भी है तो आप इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। लैवेंडर ऑयल हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। करीब करीब 3 से 4 बूंद ही काफ़ी हैं इस हेयर टोनर के लिए। हमारा हेयर टोनर बनकर तैयार हो गया है और इसे मैंने एक खाली स्प्रे बॉटल में डाल लिया है ताकि एप्लीकेशन में इजी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एक खाली स्प्रे बॉटल में इसे डाल लिया है। एप्लीकेशन के लिए आप देख पा रहे होंगे कि बालों को पूरी तरीके से सुलझाने के बाद, उसे कोम्ब आउट करने के बाद, मैंने इस स्प्रे बॉटल की मदद से इस हेयर टोनर को ऑल ओवर द स्कैल्प एंड हेयर लेंथ पर अप्लाई कर लिया है, स्प्रे कर लिया है। स्प्रे बॉटल अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप उंगलियों के मदद से, हाथों से भी इस हेयर टोनर को पूरे बालों में लगा सकते हैं। जड़ों में भी इसे लगाना ज़रूरी है, आप अपने सुविधा के अनुसार जब भी आपका मन करे इस हेयर टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हेयर टोनर को लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके बेस्ट बेनिफिट्स पाने के लिए आप सुबह लगा सकते हैं और एक बार शाम को लगा सकते हैं कंटिन्यूसली फॉर 3 वीक्स। इस ज़बरदस्त हेयर टोनर को इस्तेमाल करने के बाद ही आप इसके बेनिफिट्स को जान पाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे बाल, साथ ही साथ फ्रिज फ्री भी हो जाएंगे। फ्रिज की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्पेशली बारिशों में हमें देखने को मिलती है, तो ये टोनर इंश्योर करेगा कि आपके बाल मैनेजेबल रहें और फ्रिज फ्री भी रहें। हेयर टोनर आपको पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में लगाना है और लगाने के बाद आप देख पा रहे होंगे हेयर टोनर आपको लगा लेना है और ये कुछ ही मिनट्स में सूख जाएगा और उसके बाद आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बालों में एक थिकनेस, एक गज़ब का वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो सुबह भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर शाम को, या फिर सिर्फ रात को अप्लाई कर सकते हैं सोने से पहले, और उसको ड्राई होने के बाद आप सो जाइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और इस टोनर को इस्तेमाल करने के बाद अपने कमेंट्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। अभी तक के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।